महाराज जी नमस्कार। नमस्कार, नर्मदे हार। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विठल है। अच्छा विठल जी, आप कहाँ से यात्रा कर रहे हैं? हम ओंकारेश्वर से निकले थे। अच्छा, और समंदर जो है वो समंदर 650 किलोमीटर है वहाँ से। अच्छा। समंदर पार करके ऐसा ही घूम के ऐसा पूरा। अच्छा, जो रतन सागर है उसको पार कर लिया? हाँ, हाँ, रतन सागर मीठी तलाई पार करके। हाँ। ऐसा घूम के हम इधर से ऐसा महाराजपुर से अमरकंटक महाराजपुर से होते हुए। हाँ। अभी यहाँ आप जो है पौड़ी गांव के पास पहुँचे। हाँ। तो ये आप साइकिल से यात्रा आप कर रहे हो? साइकिल से यात्रा, तो ये बीच में पंचर वंचर होना ये सब समस्या तो आती होगी? आती है। तो कुछ सामान रखा आपने क्या? सामान तो है हमारे पास, मगर पंप था मेरे पास, वो पंप तो घूम गया, वो हवा का कोई चांस नहीं है। तो फिर पंप आपने दूसरा लिया क्यों नहीं? नहीं लिए, इधर मिलता नहीं है वो। ये पूरी परिक्रमा में खाली एक ही बार पंचर हो। अरे माँ नर्मदा की कृपा है, माँ नर्मदा की बहुत कृपा है हमारे पे। तो ये महसूस करते हो कि कृपा है? कृपा तो बहुत है हमारे पे, वो आंखों में पानी आ जाएगा, वो महसूस करेंगे हम तो। अरे क्या बात है, बहुत कृपा है हमारे। तो महाराज जी आपने कहाँ कितनी पढ़ाई किया है? हम खाली 10वीं पास हो गए। 10वीं पास है? 10वीं पास हो गए। और पेशा क्या है आपका? पेशा तो हमारा पेंटर, पेंटिंग काम करते हैं। तो महाराष्ट्र में कहाँ के रहने वाले हो? औरंगाबाद। औरंगाबाद के? औरंगाबाद से ही। तो आपको ये नर्मदा, देखो आपके घर से औरंगाबाद में तो नर्मदा का तट है नहीं? नहीं है, नहीं। और नर्मदा परिक्रमा के विषय में सिर्फ स्कंद पुराण में रेवा खंड में दिया, जो बाकी लोगों को नहीं पता, जो डीप जानता है उसी को पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि नर्मदा पुराण कुछ नहीं है, रेवा खंड ही नर्मदा पुराण कहलाती है। चूंकि मैं पढ़ा हूँ स्कंद पुराण तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो स्कंद पुराण में सभी नदियों का महत्व दिया है। हाँ, उसमें गंगा का भी दिया है, बद्रीनाथ का भी दिया है। जो ये जो नर्मदा मैया का तट है। हाँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े संतों ने तपश्चर्या की है। ये बहुत पावन भूमि है। यस। इसी का पूरे वर्ल्ड का इसकी बराबरी नहीं कर सकता कोई। तो आपको ये प्रेरणा महाराज जी कहाँ से मिली? ये हमारे जो दोस्त है, हमारे दोस्त बोलते इंजीनियर है, वो इंजीनियर के साले ने वो परिक्रमा की है तीन बार करी। तो अमरीश गुरु उनका नाम है। हाँ। हमारे दोस्त है प्रणव पाठक। अच्छा, तो एक ये तीन बार वाली बात मेरे को नहीं समझ में आता। जैसे मेरे को मेरी परिक्रमा तो एक ही बार हो जाए तो मैं अहोभाग्य समझता हूँ, लोग तीन बार क्यों करते हैं? नहीं, तो ये इतना अच्छा मौका है ये भगवान को अच्छा प्रकृति के सानिध्य में रहना और अध्यात्म का विकास करना। अध्यात्म का बोले तो अपने अध्यात्म का बहुत विकास है इसमें, अपना जो शरीर की जो तो। अच्छा, एक और चीज बताइए कि जैसे कि आप अकेले चल रहे हो तो अकेले चलने का क्या फायदा है? अकेले चलने में नामस्मरण भगवान का। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए मैंने भी आया हूँ, अकेले में भौतिक बातें हम ना कर सके। बिल्कुल, इसीलिए मैं भी अकेले आया हूँ। तो मेरे परिवार भी काफी चिंतित था कि आप अकेले क्यों जा रहे हो, जन्म ही अकेले लिए हैं और मरेंगे भी अकेले। अब बस पलट जाए कोई अलग बात है, कि बद्रीनाथ बहुत सारे लोग डूब के मर गए अलग बेटर है। तो अधिकतर मामले में जन्म और मरण अकेले अकेले होता है, इसीलिए अकेले करनी चाहिए। और आपका क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा दिया, क्योंकि यदि आप ग्रुप में रहोगे तो फिर फिजिकल भौतिक बातें करोगे आप। हाँ बिल्कुल, मटेरियल वाली बात करोगे, बेकार बात भी हो जाएगी, अच्छी बात भी हो जाएगी उसमें। इसलिए अकेले चलना नाम अपराध हो जाएगा। आज बुद्ध दत्त जयंती है, दत्त जयंती के मुहूर्त पर आज जो है, आज का जो नामस्मरण आप अच्छा करेंगे दत्त जी का, तो बहुत बहुत चलो अच्छी बात है। मैंने आज दो ही माला किया हूँ, मैं कंटिन्यू अभी मैं यात्रा के साथ मैं अपना गुरु मंत्र जो है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, और मेरे उद्देश्य भी मेरा यही रहा है। तो आपका भी उद्देश्य वही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बिल्कुल परफेक्ट हमारी ट्विनिंग मिल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे को मिले। मेरे यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग मेरे को मिले हैं, ठीक है। अभी डिंडोरी का एक ग्रुप है और जो उन लोग जो है इतने निष्काम भाव से कर रहे हैं, अच्छे फास्ट चल रहे हैं, 21 का ग्रुप है और बहुत अच्छी। अच्छा, एक और उद्देश्य है कि भाई आप जीवन में ये यात्रा सकाम कर रहे हो या निष्काम कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति चाहिए आपको? नहीं नहीं, कुछ प्राप्ति नहीं है, बस हमको भगवान की आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चाहिए बस उतना ही। हम आध्यात्मिक डेवलपमेंट हो वो तो ये काम होना, मेरा वो काम होना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है निष्काम। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? यात्रा आप किसी उद्देश्य से करनी चाहिए क्या? यात्रा बस इसी उद्देश्य से करनी चाहिए कि बहुत बड़े संतों का इसमें अपने को मार्गदर्शन मिलता है, अपने को जो अच्छे अच्छे संत ये रस्ते से वो तो चलते हैं, दर्शन होता है, दर्शन लाभ, दर्शन लाभ भी होता है और उनका जो परिचय होता है और वो उनका जो जिंदगी का उद्देश्य क्या है वो भी आपने अच्छा, को समझ में आता जी, है। जैसे कि मेरा लगेज बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं यात्री हूँ और मेरे साथ एक नागा साधु मिला था, वो भयंकर बड़ा कर्मकांड और 35 किलो का वजन लेके चल रहा था। हाँ। तो मुझे लगा यार मैं तो बहुत कर्मकांडी नहीं हूँ, कर्मकांड नहीं करता हूँ,
तो क्या मैं क्या अपराध करता हूँ क्या? नहीं नहीं महाराज, ये बिल्कुल गलत है। क्या मैं यात्रा करूँ कि सामान ढोऊँ कि कर्मकांड करूँ? आपसे अपने लोगों से होता ही नहीं ये ऐसा गलत काम, और जो कर रहे हैं ये सच्ची भावना से कर रहे हैं, उसको कोई भी किसी का किसी बात का नहीं। नहीं भाई, जो सच्ची भावना से कर रहा है उसकी क्षमता 35 किलो वजन उठाने का वो उठा सकता है, ये मोटी घंटी में नहीं उठा सकता। नहीं, उनका उद्देश्य अलग रहता है, उनका उद्देश्य अलग रहता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या संत लोगों का देखो, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ठंड है, तो हम हो सकता है किसी